साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म लियो से संजय दत्त ने साउथ फिल्मों में डेब्यू किया है। फिल्म लियो ने पहले दो दिनों में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली थी। हालांकि वर्ल्ड वाइड ये फिल्म दो दिनों में 200 करोड़ के आंकड़े के करीब जा पहुंची है। उम्मीद है कि संजय दत्त और विजय थलापति स्टारर यह फिल्म आगे भी शानदार कमाई करने वाली है। इस फिल्म में संजय ने निगेटिव रोल निभाया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि ये पहली बार है जिसमें एक्टर ने निगेटिव किरदार निभाया हो। इससे पहले भी कई फिल्मों में संजू बाबा खतरनाक वाले रोल करके हीरो को मौत दे चुके हैं। एक नहीं कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें संजय दत्त ने निगेटिव रोल प्ले करके खूब वाहवाही लूटी है। चलिए जानते हैं। साल 1993 में आई फिल्म खलनायक से संजय दत्त ने निगेटिव किरदार करने की शुरुआत की थी। इस रोल में संजू बाबा ने तहलका मचा दिया था। हर किसी को उनके ये करेक्टर इतना पसंद आया कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। इस फिल्म में संजय दत्त ने बलराम राकेश प्रसाद उर्फ बल्लू का किरदार निभाया था। संजय दत्त ने फिल्म वास्तव में भी अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाया था। उनके इस रोल को खूब पसंद किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। फिल्म मुसाफिर। संजू बाबा ने अपने एक्टिंग करियर में कई दमदार रोल निभाए हैं। फिल्म मुसाफिर में संजय ने विलन का रोल निभाया था जिससे लोगों ने बहुत प्यार दिया। फिल्म का गाना साकी साकी आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है जो काफी हिट हुआ था। अग्निपथ। अगर सुनील दत्त के लाड़ले के उस किरदार की बात करें जिसने लोगों को डरा कर रख दिया था, वो फिल्म है अग्निपथ, जिसमें संजय दत्त ने कांचा नाम का किरदार निभाया था। इस रोल में वो इतने खुखार लग रहे थे कि बच्चे भी डर गए। उनका किरदार बहुत ही दमदार था। पानीपत। कृति सेनन और अर्जुन कपूर मल्टी स्टारर फिल्म पानीपत में संजय दत्त ने अहमद शाह अब्दाली का किरदार निभाया था। इस किरदार में वो इतने फिट बैठे थे कि सभी ने उनकी खूब तारीफ की। उनके आगे अर्जुन कपूर की एक्टिंग धरी की धरी रह गई। KGF चैप्टर 2 में भी संजय दत्त के निगेटिव रोल ने फिल्म को यादगार बना दिया। बतौर विलेन संजय ने फिल्म की कहानी में ऐसा समा बांधा कि देखने वाले फिल्म छोड़कर उठ नहीं पाए।